तो गाइस आईपीएल 2021 का मैच नंबर 15 केकेआर वर्सेस सीएसके अब खत्म हो चुका है। न्यू पॉइंट्स टेबल, पर्पल कैप की रेस में, ऑरेंज कैप की रेस में, एमवीपी की रेस में कौन से पांच प्लेयर सबसे ऊपर है उनका नाम हमारे सामने आ चुका है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस अभी हम चेन्नई सुपर किंग्स पे एग्जैक्टली उतना ही ट्रस्ट कर सकते हैं जितना सिक्विन पे। सिक्विन कानूनी रूप से भारतीय मनोरंजन और गेमिंग कॉर्पोरेशन के तहत लाइसेंस प्राप्त कंपनियों में से एक है। इधर आपको हर डिपॉजिट पे स्पिन टू विन मिल जाता है, जिसमें आपको ड्रॉ मिलता है। ड्रॉ के लिए आपको मिनिमम 300 का डिपॉजिट करना पड़ेगा एंड ड्रॉ से आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। तो जाओ सिक्विन के वेबसाइट पे रजिस्टर करो, उसके बाद अपना अकाउंट वेरीफाई भी कर लेना अपना नेम एंड नंबर डाल के। इसके बाद आपको बहुत सारे गेम्स दिखेंगे लाइक टॉप हिट स्पॉट्स और भी बहुत सारे गेम लाइक एक्सचेंज स्पॉट्स, बीटीआई एंड साबा, जिसके अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंट गेम्स देखने को मिलेंगे लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल, इसके अलावा और भी बहुत सारे। यहाँ पे आपको लाइव कैसीनो, रमी एंड स्लॉट गेम भी मिल जाता है। इधर आपको बहुत सारे प्रमोशनल बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं लाइक साइन अप के बाद आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको 1731 रुपए मिल सकता है। इसके अलावा एक गुना टर्नओवर हर बोनस के लिए मार्च 12 से 30 अप्रैल तक मिलेगा। बोनस का तो इधर भरमार है, ज्वाइन बोनस आपको 5000 तक मिलेगा, रिबेट बोनस आपको 5%, 100% स्पॉट्स वेलकम बोनस, 30% लाइव गेम्स बोनस, एक्टिव मीमर डेली बोनस, 100% स्लॉट्स वेलकम बोनस, लॉटरी डिपॉजिट बोनस, विनिंग स्ट्रीक बोनस अप टू 1501 रुपीज, 3% लॉस रिबेट, रमी चेस वेलकम बोनस, वीआईपी वीकली बोनस। इसके अलावा अगर अपने फ्रेंड को रिकमेंड करते हो तो 2000 इधर भी मिलेगा। अगर आप अपना डिपॉजिट यूएसडीटी के थ्रू करते हो तो आपको 5% डिपॉजिट बोनस मिलेगा एंड इधर फेसबुक पोस्ट बोनस भी है। और आपको कम से कम 100 रुपए का डिपॉजिट करना पड़ेगा अगर आप 100% बोनस चाहते हो स्पॉट्स में, और आपको मिनिमम 300 डिपॉजिट करना पड़ेगा अगर आप 30% बोनस चाहते हो लाइव गेम्स में। इधर आप अपने जीते हुए अमाउंट को इजीली विड्रॉल कर सकते हो, मिनिमम विड्रॉल 500 है। ट्रस्टेड एप्लीकेशन है सिक्विन, तो जाके एक बार डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट्स टेबल। तो पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है चेन्नई सुपर किंग्स, जो 4 मैचेस खेली है, 3 जीती है 1 हारी है। जो पहला मैच हारी थी दिल्ली के अगेंस्ट, उसके बाद तो हैट्रिक लगा चुकी है जीत की। नेट रन रेट की बात करें तो वो +1.142 का है, पॉइंट इस टीम के पास 6 है। इसके बाद नंबर 2 पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जो 3 मैचेस खेली है, 3 जीती है, मतलब अभी तक एक भी मैच नहीं हारी, और एकमात्र ऐसी टीम है जो मैच नहीं हारी है। नेट रन रेट की बात करें तो वो +0.750 है, इस टीम के पास भी 6 पॉइंट है। इसके बाद नंबर 3 पर आती है दिल्ली कैपिटल्स, जो 4 मैचेस खेली है, 3 जीती है 1 हारी है। नेट रन रेट की बात करें तो वो +0.426 है एंड पॉइंट इस टीम के पास भी 6 है। इसके बाद नंबर 4 पे आती है डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस, जो 4 मैचेस खेली है, 2 जीती है 2 हारी है। नेट रन रेट की बात करें तो वो +0.187 एंड पॉइंट इस टीम के पास 4 है। इसके बाद नंबर 5 पे आती है सनराइजर्स हैदराबाद, जो 4 मैचेस के लिए, 1 जीती है 3 हारी है। नेट रन रेट की बात करें तो वो -0.228 है एंड इस टीम के पास भी 2 पॉइंट है। इसके बाद नंबर 6 पर है कोलकाता नाइट राइडर्स, जो 4 मैचेस के लिए, 1 जीती है 3 हारी है। नेट रन रेट की बात करें तो वो -0.700 है एंड पॉइंट इस टीम के पास भी 2 है। इसके बाद नंबर 7 पे आती है राजस्थान रॉयल्स, जो 3 मैचेस के लिए, 1 जीती है 2 हारी है। नेट रन रेट की बात करें तो वो -0.719 है एंड पॉइंट इस टीम के पास भी 2 है। इसके बाद नंबर 8 पे आती है पंजाब किंग्स, जो 4 मैचेस के लिए, 1 जीती है 3 हारी है। नेट रन रेट की बात करें तो वो -0.824 है एंड पॉइंट इस टीम के पास भी 2 है। मतलब अभी एक भी ऐसी टीम ने आईपीएल में इस सीजन में जो एक भी मैच नहीं आ रही है, हर टीम एक मैच तो मिनिमम जीती है। इसके बाद हम आते हैं ऑरेंज कैप की रेस की तरफ। तो ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 1 पे है दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन, जिनके नाम 4 मैचेस में 231 रन है, हाईएस्ट 92 का है। एवरेज की बात करें तो वो 57.75 का है। इसके बाद नंबर 2 पर आते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ग्लेन मैक्सवेल, जिनके नाम 3 मैचेस में 176 रन है। एवरेज की बात करें तो वो 58.66 का है। नंबर 3 पर आते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के जॉनी बेरेस्टो, जिन्होंने आज एक बहुत अच्छा नॉक खेला, 4 मैचेस में 173 रन इनके नाम है। एवरेज की बात करें तो 57.66 का है। नंबर 4 पे चेन्नई सुपर किंग्स के फाफ डुप्लेसिस आ चुके हैं, 4 मैचेस में 164 रन के साथ, एवरेज की बात करें तो 82 का है। नंबर 5 पे है कोलकाता नाइट राइडर्स के नीतीश राणा, 4 मैचेस में 164 रन के साथ, एवरेज की बात करें तो 41 का है। ये बात देखने लायक है कि जो सभी प्लेयर्स हैं यहाँ पे, सभी 4-4 मैचेस खेले हैं टॉप 5 में, मैक्सी को छोड़ के। मैक्सी कल खेलने वाले हैं, लेट्स सी कहाँ पे आ जाते हैं कल के मैच के बाद, शायद टॉप पे आ जाए, इसके बाद हम
जो हाइएस्ट विकेट टेकर्स है अभी तक के उनकी तरफ चलते हैं। तो पर्पल कैप की रेस में अभी नंबर वन पे है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हर्षल पटेल, जिनके नाम 3 मैचेस में 9 विकेट है। इकॉनमी की बात करें तो 5.75 का है। नंबर दो पर है चेन्नई सुपर किंग्स के दीपक चहर, 2 मैचेस में विकेट नहीं मिला है, 2 मैचेस में 4-4 विकेट मिला है, मतलब 4 मैचेस में 8 विकेट इस प्लेयर के पास है। इकॉनमी की बात करें तो 7.33 का है। नंबर तीन पर है दिल्ली कैपिटल्स के आवेश खान, 4 मैचेस में 8 विकेट इनके नाम है। इकॉनमी की बात करें तो 7.35 की है। नंबर चार पर है मुंबई इंडियंस के राहुल चहर, 4 मैचेस में 8 विकेट इनके नाम है। इकॉनमी की बात करें तो 7.37 का है। नंबर पाँच पर है केकेआर के आंद्रे रसल, 7 विकेट इनके नाम है। इकॉनमी की बात करें तो 12.44 का है, बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम आते हैं एमवीपी की रेस की तरफ। तो एमवीपी की रेस में अभी सबसे ऊपर है दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन, जिनके नाम 107.5 पॉइंट्स हैं। नंबर दो पर चेन्नई सुपर किंग्स के मोइन अली, जिनके नाम 95 पॉइंट्स हैं। नंबर तीन पर केकेआर के आंद्रे रसल, जिनके नाम 93 पॉइंट्स हैं। नंबर चार पर केकेआर के पैट कमिंस, जिनके नाम 85.5 पॉइंट्स हैं। एंड नंबर पांच पे चेन्नई सुपर किंग्स के सैम करन, जिनके नाम 78.5 पॉइंट्स है। शायद मैंने पैट कमिंस का भी पांच ही बोल दिया, तो पैट कमिंस चार पे। तो गाइस ये था हमारा पॉइंट्स टेबल, ऑरेंज कैप पर्पल कैप एंड एमवीपी की रेस में भी कौन से पांच प्लेयर सबसे ऊपर है उनके नाम। अभी के लिए कल के मैच का वेट करते हैं, उसके बाद आपको सब कुछ न्यूज जानने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए छोटा बस इतना ही, और अभी के लिए बस इतना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसा लगा आपको। चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए, ताकि मैं जैसे अगले वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, आप बस अगले वीडियो के लिए वेट करना है।